फिर मुसलमान है बोलान योगा करान जहांगीर बीएसएफ एस वंस। अब ये जहांगीर ने तो बदल करके इसको हिंदू हो जाता अभी नहीं तेरा मजहब बदल जाएगा तो आज के बाद कभी मत करना। तो मैंने कहा जैसा मैं भाई इसको लिया था वैसा ही वापस दे के जा रहा हूँ। योग से किसी का मजहब नहीं बदलता, योग से जीवन बदलता है। वो जहांगीर भी कह रहा है जीवन अंदर से बदलता है, अंदर से रूपांतरण होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, अंदर से तब्दीली आती है अपने शरीर में, अपने मन में, भावों में। कैसा लग रहा है जहांगीर भाई? बहुत अच्छा। वैसे भी तो बड़ा मजबूत जवान है। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के सभी युवाओं को जब योग से जोड़ेंगे तो वो भी हमारे जहांगीर की तरह राष्ट्रवाद से, अपने राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत होंगे और वहां पर किसी भी तरह की कुछ लोग ना बहकाते रहते हैं ऐसे धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर। अरे भाई अपना कर्म ही अपना धर्म है और मजहब तो हमें ये सिखाता है एक ईश्वर की उपासना करो। देखो मैं आप क्योंकि मैंने सारे धर्मों की मूल जो शिक्षाएं हैं उनको पढ़ा है तो इस्लाम की क्या शिक्षा है? एक ईश्वर की उपासना करो, ईश्वर को हो, खुदा को हो, अल्लाह को, एक अल्लाह की। अब जहांगीर ने अपनी बात भी शुरू की तो बोला ओम से शुरू की, तो ओम तो कोई किसी देवी देवता का नाम नहीं है ना, जो खुदा है वही ओम है, जो ओम है वही खुदा है, तो वो भेद भी जो है इसके भीतर से खत्म हो गया। तो एक ईश्वर की उपासना करो जो सबका मालिक है। ग्रेट, और ग्रेट, करी करी प्राणायाम ये सभी धर्म सिखाते हैं, जान पढ़कर प्राणायाम करो और सबसे प्यार करो। इसके अलावा कोई के नाम पर देश और दुनिया में तोड़ फोड़ करता है, कोई आगजनी करता है, कोई किसी की हत्या करता है या हिंसा करता है, वो मजहब नहीं, वो मजहब के नाम पर कलंक है। कोई भी करता है, कोई हिंदू करता है, कोई मुसलमान करता है, कोई सिख करता है। तो ये बताओ मजहब के नाम पर आग लगा रखी है पूरी दुनिया में कुछ लोगों ने, और क्या यहाँ कोई भेदभाव हुआ पतंजलि और पीठ में हिंदू मुसलमान का? नहीं सर, यहाँ एक ही जगह सब खाते हैं, एक ही जगह सब रहते हैं, और हमारी जो फोर्सेज हैं मिलिट्री और पैरा मिलिट्री हैं वो तो इस हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के लिए धर्म निरपेक्षता शब्द तो थोड़ा लोगों ने उल्टा पुल्टा उसकी व्याख्या की, मूल शब्द होता है पंथ निरपेक्ष। सेक्युलरिज्म क्या है, पंथ निरपेक्षता क्या है, उसका सबसे बड़ा प्रमाण है हमारी बीएसएफ और हमारी सेनाएं, हमारे अर्धसैनिक बल, कोई भेदभाव नहीं।